हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर होंगे। सारी बसेस जो लगी हुई देख रहे हैं, तो आज मैं सफ़र करने वाला हूँ बोकारो किसी काम से जा रहा हूँ। तो वहाँ का रास्ता कैसा है हज़ारीबाग टू बोकारो, ये आपको दिखाएंगे। ये हेमकुंड बस से जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं बस पे और देखते हैं बस कैसा है और रास्ता कैसा बोकारो का। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो जो ये हेमकुंड बस हज़ारीबाग से बोकारो के लिए खुलेगी, ये है बस। अच्छी है, पूरा फुल एसी है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं लग रही। और ये खुलती है हज़ारीबाग के नए बस स्टैंड से, और यहाँ से 2.5 घंटे का सफ़र है बोकारो का। और ये नया बस स्टैंड का मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ, और अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। वहाँ हज़ारीबाग का बस स्टैंड का वीडियो होगा, पुराना बस स्टैंड भी, सरकारी बस स्टैंड भी और प्राइवेट बस स्टैंड दोनों का वीडियो बना हुआ, ब्लॉग बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हर जगह की बस मिलती है यहाँ, कोलकाता, पटना, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ये दोनों बस स्टैंड से। तो चलिए बस के अंदर चलते हैं, देखते हैं बस कैसा है। तो बस में इनका बस थोड़ी देर बाद है, तो ये खाली अभी, लेकिन सारी सीट बुक है और मुझे ये सीट मिला है। ऐसी बस है, अच्छी सीट तो ठीक लग रहा है। हज़ारीबाग से बोकारो एसी बस का 230 रुपये किराया है। चलिए आगे का रास्ता भी देखते हैं कैसा है। तो बस खुल गई है और अभी ये निकलने लगी बस। पूरी बारिश हो रही है चारों तरफ, आप देख रहे हैं ग्लास में पानी के बूंदे लगे हुए, बारिश हैवी रेन हो रही है अभी। अभी बारिश का सीजन है तो डेली बारिश तो होनी है। झारखंड वैसे भी ग्रीन स्टेट है, हर तरफ पेड़ पौधा दिखे और बारिश में ये अलग खूबसूरती समा जाती है, पूरा हरा भरा। Thank you.
से हम लोग, बल्कि कोठार से हम लोग लेफ्ट साइड घूम गई बस बोकारो की तरफ। कलेक्ट्रेट भी है रामगढ़ कलेक्ट्रेट, सामने बाउंड्री के अंदर। ये है छितरपुर जगह है, छोटा सा मार्केट है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मेन रोड है यार से हम लोग बोकारो निकलेंगे। जैना मोड़, यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इधर से सीधे 180 किलोमीटर जाएंगे तो पटरमा आ जाएगा। 152 किलोमीटर देवघर, 91 किलोमीटर गिरिडीह, और यहाँ से बोकारो 18 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम लोग बोकारो इन कर चुके हैं। ये गाड़ी बस स्टैंड जा रही है बोकारो की। तो कैसा लगा आपको ये हजारीबाग से बोकारो की जर्नी? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेक्टर 12 है। चलिए मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और बस में फिल्म मूवी चल रही है, उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।